खगड़िया एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, हथियार बरामद, 6 गिरफ्तार। खगड़िया एसटीएफ और थाना के संयुक्त अभियान में अवैध रूप से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर हथियार के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खगड़िया पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि एसटीएफ की टीम और मुफस्सिल थाना के तेज तरार एएसआई रंजीत कुमार ने सर्च ऑपरेशन कर एक मिनी गन फैक्ट्री में अवैध रूप से बन रहे हथियार के साथ 6 तस्कर एवं 38 देसी पिस्टल बरामद किया गया। अवैध हथियार के औजार भी जब्त किए गए। बताते चले कि गोगरी की एक दुकान से 35,000 नकद की चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी की गई। मुख्य आरोपी पिता एवं पुत्र को भी गिरफ्तारी के साथ 3 देसी पिस्टल एवं 2 मास्केट एवं 1,48,000 रुपये नकदी भी जब्त किया गया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ की टीम और मुफसिल थाना, खगड़िया का मुफसिल थाना है, उसकी टीम ने मिलकर के एक गन मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है सक्सेसफुल, जिसमें 38 अर्ध निर्मित अग्नियास्त्र बरामद हुए हैं एवं अन्य लेथ मशीन और छोटा हथौड़ी और इस तरह के जो औजार हैं जो कि अवैध अग्नियास्त्र बनाने में काम आते हैं, उन सब का जो है बरामदगी हुई है। और उसके साथ आधा दर्जन यानी 6 आदमी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। जो मिनी गन फैक्ट्री का मुख्य संचालक है वो भी हमारी हिरासत में है। गोगरी बाजार स्थित एक दुकान में चोरी हुई थी, करीब 35,000 रुपये की चोरी हुई थी, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज द्वारा कुछ मदद मिली हमें अनुसंधान में। हमें जो है सस्पेक्ट का नाम पता चला, जिसपे गोगरी एसएचओ द्वारा गठित टीम, गोगरी एसएचओ स्वयं उस टीम में थे, छापामारी करके जो है मुख्य आरोपी जो कि सीसीटीवी फुटेज में जिसकी बारे में आई थी जानकारी, वो और उसके पिता जो भी इन सब कार्यों में चोरी की घटनाओं में संलिप्त हैं, ये दोनों का अरेस्टिंग हुई। और इसके अलावा उनके घर से 3 देसी पिस्टल और 2 मस्केट जो कि एक बड़ा हथियार होता है उस तरह के इलीगल वेपन्स, 5 बरामद हुए। इसके अलावा 5 खोखे भी बरामद हुए वहां से एवं अन्य समान बरामद हुआ। और सब कुछ कैश की भी बरामद, जी हाँ, कैश जो है 1.5 लाख, करीब 1,48,000 रुपए कैश भी उनके घर से बरामद हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी पिता एवं पुत्र को भी गिरफ्तारी के साथ 3 देसी पिस्टल एवं 2 मास्केट एवं 1,48,000 रुपए नकदी भी जब्त किया गया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, खगड़िया।